नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि आश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम धनु राशि के बारे में, प्रेम संबंध में धनु राशि किस तरह से उनके जो पेश आते हैं या फिर उनकी रिएक्शन किस तरह से होती है, उनकी मांग किस तरह से होती है, या फिर उनके कौन से पॉजिटिव सकारात्मक पहलू है, कौन से नकारात्मक पहलू है, या फिर अगर आप उनके साथ प्रेम में हो फिर आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण याद रखनी है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो धनु राशि के व्यक्ति से अगर आप रिलेशनशिप में हो या फिर प्रेम संबंध में हो तो सबसे महत्वपूर्ण कोई जो उनकी जो स्वभाव है, उनका जो नेचर है, वह ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यह जो धनु राशि है वह धनु राशि गुरु की पॉजिटिव राशि है। मतलब इस राशि में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, बहुत ज़्यादा ये फुर्तीले होते हैं, बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, उत्साह होता है। इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो हमेशा, जिसे हम बोलते हैं कि एनर्जी इन लेवल इनकी बहुत हाई होती है, हमेशा कुछ ना कुछ करने की चाह होती है। ये कभी भी, जिसे हम बोलते हैं राह देखना, कि ठीक है हम थोड़ा ये करेंगे, पेशेंस रखेंगे, थोड़ा राह देखेंगे, थोड़े दिन के बाद या थोड़ी देर के बाद जो भी काम है वो करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। जो भी काम है वो फटाफट होने चाहिए, ऐसी इनकी बात होती है। और सबसे ज़्यादा ये समाज में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, मतलब घर से ज़्यादा ये बाहर के जो लोग होते हैं उनसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। मतलब हमने पिछले एक वीडियो में, जबकि कर्क राशि का था, उसमें हमने देखा कि जो कर्क राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो घर में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं या फिर घर से ज़्यादा अटैच होते हैं। लेकिन यह जो व्यक्ति होते हैं, मतलब धनु राशि के जो व्यक्ति होते हैं, वो बाहर के जो लोग हैं उनसे ज़्यादा अटैच होते हैं। अभी उनकी जो इंटरेस्टिंग, मतलब ये किस में ज़्यादा रुचि रखते हैं, तो यह जो लोग हैं, यह लोग घूमने फिरने में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं। ये कभी भी घर में नहीं रहेंगे और बाहर भी रहेंगे तो मतलब हमेशा घूमते फिरते रहते हैं। मतलब बाहर की जो दुनिया होती है उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस किया जाए, उससे कुछ ज्ञान किया जाए, वह जो बात होती है वह इनमें बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि गुरु की राशि होने के बावजूद ये जो राशि है, यह राशि भगवान के ऊपर या फिर जो ऑर्थोडॉक्स नेचर वाली नहीं होती। इस राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। उसमें जो मूल नक्षत्र है, वो मूल नक्षत्र थोड़ा बहुत ऑर्थोडॉक्स हो सकता है, मतलब पुराण मतवादी हो सकता है, मतलब जो ये पुराणों से जो भी रूढ़ियाँ चली आ रही है उनको वो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन बाकी के जो दो नक्षत्र है, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा, उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस होती है, उनकी जो सोच होती है, थोड़ी अलग से होती है। पूरी तरह से धनु राशि का अगर विचार किया जाए तो यह जो मैंने बात की कि बहुत ज़्यादा फुर्तीले होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा उत्साह होता है और कोई भी बात इतने सीरियसली नहीं लेते। जी हाँ, मतलब इनके सामने कोई विजन नहीं होता, जैसे कि जैसे ही लाइफ आ जाए, सामने से आ जाए, उसके ऊपर उसी का वो सामना करते हैं। और दूसरी बात, विजन न होने के कारण ये सेटल जल्दी नहीं हो पाते। जी हाँ, क्या होता है कि अगर आपके सामने कोई विजन हो कि आपको ये अचीव करना है, फिर इस तरह से जाना है, तो वह जो बात होती है वो उनमें नहीं होती। तो प्यार के मामले में भी अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो तो आपको हमेशा लगेगा कि ये जो धनु राशि के व्यक्ति होते हैं, ये रिलेशनशिप के मामले में इतने सीरियस नहीं है, ऐसा आपको हमेशा लगेगा। लेकिन वो होते हैं ज़रूर, इनका नेचर ही वैसा होता है कि किसी भी चीज़ के प्रति ये थोड़ा ज़्यादा, मतलब सीरियस नहीं होते। इनके पास हमेशा ऑप्शन होते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो वो करेंगे, वो नहीं हुआ तो वो करेंगे, क्योंकि एनर्जी लेवल बहुत हाई होती है, इसीलिए किसी कोई भी चीज़ के ऊपर वो फोकस जल्दी से कर पाते हैं, हालांकि विजन उनका होता नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है कि डिसीजन इनका जल्दी नहीं होता किसी भी बात पर। अगर आपने इनके पास कोई प्रस्ताव रख दिया तो डिसीजन जल्दी नहीं ले पाते, यही बात होती है। अब इनका पॉजिटिव जो गुण होते हैं, यह गुण होते हैं कि कभी भी आप उनको पुकारो वो आपके मदद के लिए आ जाएंगे। यह जो बात है, यह बात किसी भी राशि में आपको नहीं दिखाई देगी, इस राशि में बहुत ज़्यादा दिखाई देगी कि कभी भी आप उनको बुलाओ मदद के लिए, ये कभी भी आ जाएंगे। मतलब इनमें यह जो बात होती है, मतलब कोई, मतलब ज़्यादा अगर उनके जान पहचान का भी ना हो तो भी इनके मदद के लिए वो आते हैं। ऐसे और भी एक राशि है जो कि तुला राशि के बारे में मैंने कहा, लेकिन जैसे कि मैंने तुला राशि के वीडियो में भी कहा कि ये जो राशि है वो थोड़ा सा स्टेटस लेके चलती है, लेकिन ये जो धनु राशि है, यह धनु राशि हर एक के लिए मदद के लिए हमेशा तैयार होती है। तो यह जो उनका गुण है वो पॉजिटिव भी है। अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो तो आपको वो थोड़ा नेगेटिव भी लग सकता है, मतलब आपको ये सब लग सकता है कि यह जो व्यक्ति है हमेशा हर एक के लिए, मतलब ओपन रहती है या फिर हर एक के लिए ये तैयार रहती है, फिर आगे जाके रिलेशनशिप में क्या होगी। तो यह जो बात है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना होगा, क्योंकि
हम जो एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हो तो वो हमेशा आप ही के बारे में सोचे, या फिर आप ही के बारे की आप ही के गुणगान गाए, या फिर दोनों के बारे में, मतलब जो म्यूचुअली ज़्यादा अंडरस्टैंड करें। लेकिन यह जो राशि होती है वो ऐसी नहीं होती, यह समाजशील राशि है, यह समाज के बहुत ज़्यादा नज़दीक जाने वाली है, यह लोगों के बहुत ज़्यादा उपयोगी पड़ने वाली राशि है। तो इसी वजह से यह जो राशि होती है, इस राशि के साथ अगर आपको रिलेशनशिप रखना है तो यह जो बात है यह बात ज़्यादा आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। और कभी कभी इनका जो बिहेवियर होता है वो थोड़ा सा कभी कभी आपको एरोगेंट लग सकता है, मतलब आपको लग सकता है कि इनको कुछ पड़ी नहीं है। जी हाँ, इनको आपके जो आपके जो संबंध है या फिर आपके जो रिलेशनशिप है उसके बारे में ये बात ज़्यादा सीरियस नहीं, इनको कुछ पड़े नहीं है, इनका दिन का जो शेड्यूल है उसी तरह से वो ग्रो कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि इनका जो ऐसा नेचर है, इसके पॉजिटिव भी जो बातें हैं होती है कि समाज में यह जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस रहते हैं। तो आप अगर इनके साथ रिलेशनशिप में हो तो यह बात आपको ध्यान में रखना आवश्यक है कि यह उनका नेचर है, तो उनका उस नेचर के ऊपर आप उसे छोड़ दो। अगर आप उनको ग्रैब करना चाहोगे, अगर आप उनको बोलोगे कि यह जो बात है मुझे पसंद नहीं है, आप किसी के साथ भी हंसी मजाक कर लेते हो या फिर बहुत फ्रेंड्स, और ये पिकनिक वगैरह जाने में भी बहुत रुचि रखते हैं, यदि वो लड़की हो या फिर महिला हो तो भी पिकनिक में जाए या फिर एडवेंचरस स्पोर्ट्स में आगे रहते हैं, तो इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होने के कारण ये सभी प्रकार जो बातें रहती है इनमें ये करने में वो बहुत ज्यादा आगे आगे रहती है। तो ये सभी बातें हैं, उनके बेसिक इंस्टिंक्ट है, उनका जो नेचर है वही उसी प्रकार का है। अगर आप उनसे वो कहोगे कि इस प्रकार का मुझे नहीं चलेगा रेशर या फिर मुझे पसंद नहीं आता, तो फिर आपकी ये जो रिलेशनशिप है ये रिलेशनशिप ज्यादा समय तक नहीं टिकने वाली। ऐसे अगर व्यक्ति कोई हो जिसके की धनु राशि हो और आप उनमें इंटरेस्टेड हो तो अप्रोच होने के लिए आप क्या करोगे? बहुत सरल सी बात है, उनको उनके साथ जो वहाँ जो मतलब वह जो व्यक्ति है जहाँ पर जाए वहीं पर आप जाओ और उनके हाँ में हाँ मिलाओ। यह जो व्यक्ति है वह धन के मामले में बहुत ज़्यादा खर्चीले नहीं होते, फाइनेंस के धन के मामले में बहुत ज़्यादा सोचेंगे भी नहीं, जैसे कि प्रैक्टिकल राशियाँ है, वृषभ राशि है, फिर धनु राशि है, कन्या राशि है, फिर वृश्चिक राशि है। इसी तरह यह जो राशि है ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होती, यह राशि आनंद के लिए है, मतलब समाज में जो आनंद है, दुनिया में जो आनंद है जो कि पैसों से भी खरीदा नहीं जाता, घूमने फिरने की जो बात होती है इसमें यह राशि है वो ज़्यादा रुचि रखने वाली होती है, और दूसरों की मदद करने में भी ये राशि बहुत ज़्यादा आगे होते हैं, बहुत ज़्यादा समाजशील होते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये जो राशि है भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे, लेकिन आदमी के जो दुख होते हैं, जो दुख में आदमी होते हैं उसके मदद के लिए ये पहले दौड़ेंगे। तो यह बात होती है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये सभी बातें हैं, यह सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको इनके रिलेशनशिप में जाना हो तो आपको ये बात है कि यह आदमी है या यह जो व्यक्ति है वो आपका नहीं है, वो समाज का है, मतलब किसी भी दौरान ये समाज के लिए जा सकते हैं, उनका नज़रिया है वो भी उसी तरह से होता है। अगर ये मतलब गृहिणी या फिर घर वाले जो आदमी होते इस तरह के नहीं होते, ये घर के बाहर ज़्यादा पसंद करते हैं, घर के बाहर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत से आदमियों में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यह बात है वो थोड़ा आप ध्यान में रखो। अगर आपको इनको प्रपोज करना है या फिर इनके साथ रिलेशनशिप में जाना है तो यही बात है कि आप इनके साथ थोड़ा घूमो फिरो और आप भी दिखाओ कि आप भी जो उनका जो नेचर है वो आपको सपोर्ट करता है या फिर आप उनको सपोर्ट करते हैं, यह बात है। अगर आप इनके रिलेशनशिप में हो फिलहाल तो भी यह बात आपने देखी होगी, जो कि मैंने कहा अनुभव भी की होगी, तो वही बात है, वही बात आगे बढ़ाओ। अगर आप उसमें रुकावटें डालते हो तो एक क्षण में आके ये जो बात है ये सामने से कह डालेंगे कि यह मुझे जो आप कर रहे हो मुझे पसंद नहीं है, मेरा ऐसा नेचर नहीं है, मैं खुले आसमान में या फिर खुली फ्रीडम चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ, तो यह बात होती है। अगर ये आपसे रूठ जाए तो फिर क्या करोगे? मतलब धनु राशि के जो व्यक्ति होंगे वो आपसे रूठ जाए तो आप क्या करोगे? बहुत से सिंपल सी जो बात है वो आपको ध्यान में लेनी होगी, कुछ नहीं करना, क्योंकि इनका जो रूठना होता है वो दिल से नहीं होता। जी हाँ, ये कभी भी किसी के साथ भी अगर गुस्सा हो जाए तो वो दिल से नहीं होते, क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा कि वृश्चिक राशि अगर वो गुस्सा हो गए तो वो बदला भी लेने के लिए आगे पीछे नहीं देखते। लेकिन यह जो धनु राशि होती है वो मन के बहुत खुली होती है, जैसे वो हाँ डायरेक्टली ना भी बोलते हैं हाँ भी बोलते हैं। अगर आपको फिर से रिलेशनशिप में जाना हो तो फिर जो बात पहले मैंने की कि थोड़ा बहुत उनमें से घुल जाओ, उनका जो इंटरेस्टिंग जो उनका क्षेत्र होगा फील्ड होगा उसमें से आप थोड़े बहुत उनके आगे पीछे रह जाओ, कई दिनों के बाद मतलब
मतलब मेरे ख्याल से 10-12 दिनों में ही आपका जो रैपो फिर से जमा हुआ रहेगा, और जिस बात पर आपको आपकी जो रिलेशनशिप है वो टूटी थी उसके उसी बात पर सीधे सीधे आप अगर उनसे माफ़ी मांग लें तो मेरे ख्याल से जो भी आपके रिलेशनशिप स्टकअप हुई थी वो पूरी तरह से नॉर्मल हो सकती है। तो यही बात है धनु राशि के लिए, बहुत अच्छी राशि है। हालांकि ये जो राशि है जो पुरुष का जो स्वभाव है इससे ज़्यादा मिलती जुलती है। यद्यपि धनु राशि की अगर कोई लड़की है या फिर महिला है तो उनके बारे में भी यह जो बात है आपको ध्यान में रखनी होगी कि यह बहुत उत्स्फूर्त होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती है। इनके मन में कभी भी किसी के लिए मलाल कभी नहीं होता, किसी के बारे में ये कंपटीशन के बारे में नहीं सोचती या फिर पैसे के बारे में भी नहीं सोचती, खुद के लाभ के बारे में भी नहीं सोचती। ये हमेशा यही सोचती है कि जीवन का पूरी तरह से आनंद लिया जाए, यह जो सृष्टि है उसका आनंद लिया जाए और इंसानों से इंसान की तरह ही हम बिहेव करेंगे तो अच्छा। तो ऐसे इनकी जो समझदारी होती है या फिर इनका जो माइंडसेट होता है, मनस्थिति होती है, इनका स्वभाव इसी तरह से होता है। अगर आप यह बात है अच्छी तरह से जान लो तो फिर इनके साथ अगर आप रिलेशनशिप हो इस राशि के साथ तो यह आपकी रिलेशनशिप बहुत देर तक या फिर बहुत आगे बढ़ सकती है। मित्रों, आपको यह वीडियो धनु राशि के प्रेम संबंध के बारे में कैसा लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना यह जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब का एक बटन आपको सामने आएगा वो भी प्रेस करना, उसके बाद बेल आइकन आएगा उसको भी दबाना, जिसकी वजह से अपने चैनल के जो वीडियो हर दिन नए नए आते हैं अपलोड होते रहते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।